हरियाणा में एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा नेत्री किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के दौरान किरण चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के अलावा कई विधायक और मंत्रियों सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। ज्ञात रही कि एक दिन पहले ही किरण चौधरी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की थी। हरियाणा की यह राज्यसभा सीट दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के चलते खाली हुई है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से जीत के बाद उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था। बताते चले, दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। ऐसे में जब किरण चौधरी राज्यसभा जाएंगी तो उनका कार्यकाल करीब 2 साल का ही होगा। राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा और 3 सितंबर को ही नतीजे आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किरण चौधरी को जीत की अग्रिम बधाई दे दी है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा की सदस्यता के लिए हरियाणा से वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। अब संसद में हरियाणा के लोगों की प्रखर आवाज पहुंचनी तय है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी ने किरण चौधरी का समर्थन किया है। वहीं अन्य विधायकों ने भी किरण चौधरी को ही समर्थन दिया है। मैं आदरणीय किरण चौधरी जी को आज राज्यसभा के लिए जो नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नॉमिनेशन फाइल किया है, हमारे सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारे जोगी राम जी सिहाग और हमारे राम निवास जी सुरजाखेड़ा, राम कुमार जी गौतम, अनूप धानक जी और हमारे नैनपाल रावत जी, हमारे इन सब विधायकों ने भी और गोपाल कांडा जी, इन सब ने किरण चौधरी जी को अपना समर्थन पत्र दिया है। नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं किरण चौधरी जी को इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।